इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले सुर्खियां। कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद में भारी गिरावट, दूसरी लहर हुई धीमी। लॉकडाउन को लेकर कर्नाटक में दो दिन में होगा फैसला। भारी बारिश के चलते सब्जी मंडी को बंद करने का ताजिरों ने किया फैसला। इंतजामिया से ताजिर नाराज, 10वीं 12वीं के इम्तहान किसी हाल में रद्द नहीं होंगे, इम्तहान लिए जाएंगे। बेलगाम में भी वार्डो में कोविड टास्क फोर्स का होगा कयाम। बेलगाम जिला इंतजामिया, जिला सेहत महकमा कोरोना रोकने में नाकाम। वकीलों ने भेजा सदर हिंद को खत। आज का अहम मौजू, आखिर हुकूमत नाकामी का इकरार क्यों नहीं कर रही। खैर, कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में सियासत करने की जरूरत नहीं है, पर हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत कामयाबी और नाकामी दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। एक बार फिर से वैक्सीनेशन को विदेश भेजने के मामले में सवाल करने पर गिरफ्तारी का हरबा मोदी हुकूमत की जानिब से चलाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष हमलावर हुआ है। उधर बंगाल में भी भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी ने आक्रामक तेवर इख्तियार करते हुए टीएमसी कायदों की गिरफ्तारी पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम मोदी सरकार पर लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी हुकूमत की जबरदस्त हार ने बौखला कर इंतकामी बदले की नीयत से नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। आज ही सीधे ममता बनर्जी अचानक सीबीआई दफ्तर पहुंची। कहने का मतलब, ममता बनर्जी हमेशा एक चाल आगे की तरफ चलती दिखाई दे रही। वाजह रहे, पिछली मर्तबा भी जब भाजपा मोदी हुकूमत ने हमेशा की तरह ईडी आईबी सीबीआई को मुखालिफिन के पीछे लगाया था, तो ममता बनर्जी ने सीबीआई अफसरान को ही गिरफ्तार किया था। इस तरह की कार्रवाई पहली बार ही देखी गई थी। पूरे मुल्क में भाजपा मोदी अमित शाह योगी को लेकर अवाम गुस्से में है। अवाम का कहना है कि हमारे अजीज और अकारीब की लाशें उठाने के लिए हमने इन्हें वोट नहीं दिया था, लिहाजा चारों तरफ मोदी विरोधी लहर की नहीं बल्कि सुनामी कह सकते हैं। और खास कर यह देखने में मिल रहा है कि इस नाराजगी का हिस्सा खुद मोदी भक्त भी बने हुए हैं। वैक्सीनेशन पर उठते सवालों से बौखला कर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी मोदी हुकूमत को बैकफायर करते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, यह पोस्टर्स के बाद ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है और विपक्ष भी आक्रामक तेवर इख्तियार करते दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी हाथ में पोस्टर लिए मुझे भी गिरफ्तार करने की मांग की। इस तरह मनोज झा, नवाब मलिक, सपा, बसपा और दिगर पार्टियों के लीडरों ने भी पोस्टर्स लगाने वालों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हमें भी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए गिरफ्तारी का मुतालबा किया। टीएमसी के महुआ मोहित्रा, जयराम रमेश सभी ने ट्विटर पर पोस्टर्स को साझा किया। राष्ट्रवादी के नवाब मलिक ने कहा कि आवाम का हक जिस वैक्सीन पर है, इनके हक को मारकर अगर विदेश को भेज दी जाए तो सवाल तो उठेंगे, पर जालिमाना रवैया अख्तियार करते हुए इस तरह की कार्रवाई शर्मनाक ही कह सकते हैं। आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि जितना टीकाकरण भारत में होना था उससे ज्यादा विदेश को भेज दिया गया। वक्त से पहले ही प्रधानमंत्री ने दावोस में जाकर लस गुरु बनने का ऐलान किया। हर मामले को गया इवेंट में तब्दील करने के जल्दबाजी प्रधानमंत्री को होती है। अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है, लिहाजा कितना मोदी हुकूमत में दम है देखते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। बच्चों की वैक्सीन बनी ही नहीं, ऐसा भाजपा की जानिब से कहा जा रहा है, फिर बच्चों की वैक्सीन पर सवाल पूछने पर गिरफ्तारियां क्यों की जा रही है। पहले तो इनकार किया गया, सवाल पूछने के बाद 1 करोड़ वैक्सीन बाहरी मुल्कों को भेजने की बात कही जा रही है। कुछ लोग तो 5 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन को बाहरी मुल्कों में भेज अपनी पीठ थपथपाने की तैयारी की जा रही थी। बेलगाम सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीन नहीं है कि तख्तियां लटकी हुई हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में वैक्सीन का पता नहीं, अब तो दूसरी लहर भी जाने लगी है, पर वैक्सीन पर सिवाय बयानबाजी के आवाम को कुछ हाथ नहीं लगा। दिल्ली में पोस्टर्स लगाने वालों की गिरफ्तारी क्या इतनी जरूरी थी? यह गिरफ्तारी भी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करती है। जिन 25 अपराधों को गिरफ्तार किया गया है वो मजदूर, दिहाड़ी, कामगार, ऑटो ड्राइवर हैं, जो कुछ रुपयों के लिए इस काम को अंजाम दिया। वैसे भी लॉकडाउन के चलते किसी तरह कुछ रुपया हाथ लगे, ऐसा सभी चाहते हैं ताकि गुजारा चल सके। पुलिस कहती है कि लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलने पर यह मुकदमे दायर किए गए, पर सवाल तो यह है कि महामारी का ऐसा दौर जिसे तारीकी कहा जा रहा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं, सड़कों पर जिंदगियां
दम तोड़ रही है। आम आदमी के दुर्गेश पाठक कहते हैं कि अगर सैकड़ों मौतें हुई हैं, अगर इन्हें वैक्सीन मिल गई होती तो शायद ये मौतें न होती, लिहाजा इन मौतों के लिए जिम्मेदार मोदी हुकूमत है। और अब बच्चों की वैक्सीन को भी विदेश भेजी जा रही है। इस पर सवाल पूछा जाए तो अपनी नाकामी कबूल करने की बजाय सवाल पूछने वालों पर ही कार्रवाई करोगे? अब तो पूरे देश को सवाल पूछना होगा। क्या इस महामारी में पोस्टर्स लगाने वाले मजदूरों को गिरफ्तार करना इतना जरूरी था? आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स की जिम्मेदारी ली है, इन्होंने ही छपवाने को कबूल भी किया है। फिर 100-200 रुपया मजदूरी करने वालों को गिरफ्तार किया गया, जब बड़े बड़े कायद कबूल कर रहे हैं तो इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? मतलब मोदी हुकूमत अब जान चुकी है कि इनकी पोल खोल चुके। वैसे तो बड़ी बड़ी फेंकने की आदत प्रधानमंत्री को पहले से ही है। वैक्सीनेशन वैक्सीन को लेकर दवाई भी कड़ाई भी कहकर प्रचार प्रसार भरपूर किया जा रहा है। भले गरीब आवाम को कुछ मिले ना मिले, पर करोड़ों रुपए इश्तेहारात पर खर्च करने की आदत पड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपनी तारीफ करते हुए भारत ने 150 मुल्कों को दवाई भेजने की बात कही थी। कोरोना पर जीत हासिल करने की भी बात प्रधानमंत्री ने ही की थी। पर जिस तरह कोरोना की नाकामी में भारत की तस्वीर दागदार हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भारत के यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर नागराज नायडू ने कहा था कि जितना अपने देश के आवाम को भारत ने वैक्सीन नहीं दी, उससे कई ज्यादा वैक्सीन विदेश को दे दी है। 25 गरीब मजदूरों की गिरफ्तारी का मामला अब मोदी हुकूमत को अंगल अटाता दिखाई दे रहा है। भाजपा, भगवा ब्रिगेड, संघ विचारधारा के लोगों को इस कोरोना काल में कलंकित होती तस्वीर को कैसे बचाए समझ में नहीं आ रहा। अमित शाह तो बंगाल चुनाव के बाद गायब ही हो चुके हैं। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री आ तो रहे हैं पर आवाम को माहिर करने में नाकाम हो रहे हैं। मुल्क के कई जगहों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। लोगों में खासा गुस्सा कोरोना में हो रही अपनों की मौत को लेकर है। मौजूदा भारत की, मोदी की और संगियों की कैफियत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देश के अच्छे दिन लाने से तो रहे, पर मोदी शाह योगी ब्रिगेड के बुरे दिन जरूर आते दिखाई दे रहे। कोरोना के बाद भारत की सियासत क्या करवट लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। एक तरफ लॉकडाउन के चलते लोग भूख से तंग आ चुके हैं, हुकूमत फिर से लॉकडाउन आगे बढ़ाने की सोच रही है। वजीर आला येडियुरप्पा ने 22 तारीख के बाद तालाबंदी बढ़ाने पर फैसला लेने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर मरीजों के साथ भी कुछ ठीक ठाक बर्ताव न होने की इत्तला हासिल हो रही है। कईयों ने इसके बारे में फरियाद भी दर्ज की है। निजी अस्पतालों में बेवजह मरीजों के इलाज का बिल लिया जा रहा है। निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। किसी और मर्ज के इलाज को जाने वाले मरीज को भी कोरोना कहकर हजारों का बिल बनाने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, जिससे आखिर करे तो क्या करे, ऐसी कैफियत दिगर अमराज के मरीजों में देखी जा रही है। बिला वजह ऑक्सीजन की कमी कहकर पैसे एंटन की वारदातें भी सुनी जा रही है। यहाँ तक एम्बुलेंस के भी दाम हवा के सवाल लेने की बात सुनी जा रही है। यह सबसे बड़ा मसला तो गरीब का है। वैसे तो कोरोना ने अमीर गरीब को एक ही कतार में लाकर खड़ा किया। आज एम्स के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल की कोरोना से मौत हुई, जबकि के अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों डोज लिए थे। अब अगर सवाल वैक्सीन पर पूछोगे तो फिर यही जवाब दिया जाता है कि वैक्सीन को 100% यकीनी कहां बताया गया, यानी जो भी बचेगा उस पर वैक्सीन का असर हुआ और जो मर गया तो वो 10% में लिया जाएगा। के अग्रवाल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के मशहूर डॉक्टर के तौर पर देखा जाता है। इनकी मौत से बहुत बड़ा नुकसान एम्स को होने की बात कही जा रही है। पैसे वालों के मुकाबले ज्यादा परेशानी गरीबों की ही होती है, क्योंकि हर मामले में पैसे की जरूरत है। अमीर तो किसी तरह बिल अदा कर पाएगा, पर गरीब का तो ये हाल है कि मरने के बाद भी अगर लाश लेनी होती है तो अस्पताल का बिल अदा किए बगैर लाश नहीं ले जा सकते। लिहाजा कई लाशें यूं ही छोड़ जाने के बाद कहीं सुनी जा रही है। खैर, कोरोना ने दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। कई सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमें काम कर रही है, ऑक्सीजन दवाइयों के साथ खाने के पैकेट्स, राशन किट वगैरह तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा आज बाशेबान यंग कमेटी की जानिब से भी कुछ फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। गांधीनगर, उज्ज्वल नगर, मानतेश नगर, श्रीनगर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जरूरतमंदों को, भूखों को, प्यासों को फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। खैर, इनकी इस खिदमत पर आवाम सराह रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बेलगाम से बात कर रहा हूँ। ये हम लोग की यंग कमेटी टीम है, तो हम बाशीवन से, हम लोग है ना अभी सोशल वर्क कर रहे हैं, मतलब जिसको खाना वगैरह नहीं मिल रहा उसको खाना पहुंचा रहे हैं। आपको मतलब हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, आपको चाहिए तो भी कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। अभी हम लोग उज्ज्वल नगर, गांधी नगर, वीरभद्र नगर वगैरह पहुंचा के आ चुके हैं, सिटी में जाके आ चुके हैं। अभी थोड़े एरियाज बगीचे बचे हैं, आपको भी कुछ मतलब ऐसा कुछ करना है तो हम लोग है ना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं नीचे लिंक में, आपको है ना कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। अब देखे तो हालात बहुत ख़राब है, तो लॉकडाउन चल रहा है, अब कमा के खाने वाले तो खा रहे हैं, तो हम लोग इत्तेहाद लिया कि ये करेंगे बोल के, तो
जिन जिन को खाना नहीं मिल रहा है एक टाइम का, तो हम एक टाइम का खाना कर चुके हैं। हम अभी हमारा पहला स्टेप है, हम खाने के इसके से चालू किए हैं। हमारा आगे बहुत कुछ करने का प्लान है। ये पहला स्टेप हम खाने की वजह से करें, आगे खाना पानी और जिसको जिसको जो जो चाहिए वो सब पहुँचाना चाहते हैं। बाशीवन यंग कमेटी है हमारी, और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं।